स्वागत है आपका IBN9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के राजाराम नगर में रहने वाले दंपति जन सुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर से आर्थिक सहायता को लेकर निवेदन किया। कलेक्टर ने भी तत्काल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। दरअसल राजाराम में रहने वाले प्रताप सिंह चौहान को गत वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते ब्लैक फंगस बीमारी हो गई थी। इसको लेकर अस्पतालों में इलाज भी करवाया, लेकिन ब्लैक फंगस के चलते प्रताप सिंह की आंखों से दिखना बंद हो गया, जिससे चलते कामकाज भी नहीं कर पा रहे हैं। दंपति को जीवन यापन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते पत्नी सरिता चौहान अपने पति प्रताप सिंह चौहान के साथ जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर को अपनी पीड़ा सुनाई। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने तत्काल 10,000 रुपए का चेक देकर आर्थिक सहायता प्रदान की। आए थे, इनको ब्लैक फंगस हो गया था। हाँ। एक साल से ड्यूटी नहीं ला रहे थे, एक आंख बंद है, दूसरी आंख उसमें भी कम दिखता है जी। कोई रोजगार नहीं है, आर्थिक सहायता। अच्छा, अभी कलेक्टर साहब ने क्या सहायता दी आपको? कलेक्टर साहब ने अभी 10,000 के बोला। कब हुआ था इनको ब्लैक फंगस? पिछले साल अप्रैल में। और क्या करते थे? कहाँ रहते हैं आप लोग? राजाराम नगर देवा। क्या नाम है भैया का? आप बोलो क्या नाम है? प्रताप सिंह चौहान। ठीक है, कितने बच्चे आपके? दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।